ये मंदिर है छोटा अच्छा सा, तो ये ना यहाँ पे बेचते हैं, ये एक चूल्हा ना 100 रुपये का बिकता है, ये एक चूल्हा मौजूद है। ये पायल है, और ये दुर्गा है, ये संध्या है, और ये छोटा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए व्लॉग में। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग में मैं आप लोगों को गांव दिखाऊंगा, जो कि हिंदू विलेज है, और यहाँ का लाइफ स्टाइल और घर वगैरह कैसे बने हुए हैं वो दिखाऊंगा। जो कि मेरे पीछे इस तरफ ये जो है ये मुस्लिमों का घर है, और इस तरफ जो है वो हिंदुओं का घर है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। हमने देखे ना इस साइड जो पक्के घर बने हुए हैं, ये मुस्लिमों का है, और इसके साथ ही है इनके ये हिंदुओं के घर बने हुए हैं। मैं आप लोगों को इस गांव में लेके चलूँगा, और यहाँ पे दिखाऊँगा इनके घर और मिट्टी के बने हुए हैं कच्चे, और यहाँ के लाइफ स्टाइल ये भी दिखाऊँगा। अभी मैं मौजूद हूँ खेतों में ही, ये सामने रोड है, अभी मैं इधर से ही आया हूँ। यहाँ पे बच्चा मेरे साथ मौजूद है, ये ना यहाँ पे घास काट रहा था अभी, तो ये अब इनसे मिलते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गुलाब। गुलाब नाम है, क्या करते हो? घास काट रहा। घास काट रहा था ये, स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों स्कूल नहीं जाते? ये ना घास काट रहा था, तो वहाँ वडेरों के यहाँ पे ना काम करता है ये बच्चा। ये गुलाब नाम है, ये भी हिंदू है, इनका ही घर इस तरफ है, तो हम चलेंगे यहाँ पर, देखें दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। तो स्कूल नहीं जाते हो बेटा? नहीं। स्कूल नहीं जाता ये ना, ये काम करता है, जैसे मैं अभी दिखाऊँ घास, ये घास काट के ना वो वडेरों को देता है, तो तनख्वाह पर रखा हुआ है, तो एक दिन के ना 100-200 मिल जाते हैं ये घास काटने के, काट के वहाँ पर पहुँचाने के। ये इस तरफ ना सामने ये मुस्लिमों के घर है, ये इनकी ज़मीन सारी इनकी होती है, और इस तरफ ना ये हिंदुओं के गांव है। लोग अपनी ज़मीन नहीं है, ये इस ज़मीन में रहते हैं, और यहाँ पे खेती बाड़ी और मजदूरी करने वाले होते हैं ना, मजदूरी वो सारे हिंदू होते हैं, और इनकी मजदूरी करने के वजह से ना वो अपनी ज़मीन में बैठने देते हैं। ये सारे यहाँ पे ये जो भी गार्डन बना हुआ है ना, ये मुस्लिमों का है। ये सामने घर भी देख रहे होंगे आप। ये रहे इनके घर, ये ना यहाँ पे उनके जानवर वगैरह मुस्लिमों के वो बंधे हुए हैं, और उनका ये टुकड़ा रखा हुआ है। इस साइड पे हम चलेंगे इस घर में, यहाँ पर ये मैं दिखाऊंगा आपको इनका घर, और उनका कैसे घर बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। ये गांव है, इस तरफ में हम चलेंगे अभी। यहाँ से ये मेन गेट है, ये इंटर होने का ही गेट है, ये कांटों का ऐसा बना हुआ है, देखें ये बाहर की तरफ खेत है, और इस तरफ एंटर होने का गेट है। यहाँ से ये नलका लगा हुआ है पानी के लिए, इस तरफ ये घर है, ये इस तरह का कुछ घर है। यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, देखो। और दोस्तों ये बच्चे यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात भी करते हैं, और पूछते हैं कि स्कूल जाते हैं और ये क्या करते हैं काम, तो ये खेल रहे थे इधर, तो हम इनसे बात करके। क्या नाम है तुम्हारा? संध्या। संध्या नाम है, स्कूल जाती हो? नहीं। तुम्हारा क्या? दुर्गा, उनका दुर्गा नाम है। तुम्हारा? निशा। निशा स्कूल जाती हो? हाँ। कितने में पढ़ती हो? दो, दो, तीसरी में पढ़ती है, ये सिंधी में बोल रही है। तो ये इस गांव के बच्चे मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा संध्या। क्या नाम है? संध्या। इनका संध्या नाम है, तो स्कूल जाती हो? हाँ। नहीं जाती। क्यों स्कूल नहीं जाती ये बच्ची? और ये कौन है, इसका नाम क्या है? पायल। क्या नाम है? आप स्कूल जाते हो? स्कूल जाती हो? कितने में पढ़ती हो? पट्टी में। ये अभी अल्फाबेट पढ़ रही है पट्टी में ही। ये और एक ही और है, ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दुर्गा। इनका दुर्गा नाम है। ये आप स्कूल जाती हो? कितने में पढ़ती हो? लीडर में। ये लीडर में पढ़ रही है। क्या नाम है? निशा। निशा स्कूल जाती हो? कितने में पढ़ती हो? तीसरी में। तीसरी में ये बच्ची स्कूल जाती है। बड़ी होकर क्या बनोगी? पुलिस। पुलिस बनेगी बड़ी होकर। ये बच्ची स्कूल जाती है, और बच्चे खेल रहे थे, खेलने का सामान देखो मैं दिखाऊँ यहाँ पे आपको। इस तरफ आप देखो ये बनाया हुआ है, तो ये छोटे छोटे बच्चे ना यहाँ पे खेल रहे थे। ये दुर्गा है, ये पायल है, ये खिलौने रखे हुए हैं इनके, ये खेलते हैं। ये मिट्टी का ही बना हुआ किचन है इनका, ये किचन है। यहाँ पे ये चूल्हा बना हुआ है, और ये सामान रखा हुआ है, ये छोटा सा किचन है इनका। देखें ये घर है ऐसा कच्चा बना हुआ है, यहाँ पे भी एक चूल्हा बना हुआ है इस साइड से, ये देखें। तो देखें ये मिट्टी का कच्चा घर बना हुआ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है। सामने किचन है, और इस तरफ ये बर्तन वगैरह रखने के लिए जगह बनाई हुई है। सामने इस साइड ये घर बना हुआ है। ये मंदिर है छोटा सा बनाया हुआ है इनका, ये मंदिर है देखें। ये लक्ष्मी माता जी की फ़ोटो रखी हुई है, और शिव जी की फ़ोटो रखी हुई है। ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है इन्होंने मिट्टी का ही। पाली हुई हैं, ये दो तीन बकरियां भी हैं इनकी, ये यहाँ से।
ये कमरा है इस घर का, देखो कमरा। ये टीवी रखने का टेबल देखो कैसा बनाया हुआ है, मिट्टी का ही बनाया हुआ है। यहाँ पे ये मिट्टी का बनाया हुआ है टेबल ना। यहाँ पे टीवी चल रही है, ये पुराने दौर की टीवी है, अभी भी चला रहे हैं। और ये ऐसा घर है यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे चारपाई रखी हुई है, मशीन रखी हुई है, और ये इस तरह का कुछ घर है। ये शीशा लगा हुआ है, आप देख। ये सारे बच्चे मौजूद है, ये पायल है, और ये दुर्गा है, ये संध्या है, और ये छोटा, इनका इसका नाम क्या है? तुम्हारा हाँ क्या नाम है? खुशहाल नाम है इसका, खुशहाल नाम है। ये छोटा बच्चा है, और ये तीनों बहन है। ये इस तरह का घर है कुछ, और यहाँ से नलका पानी का लगा हुआ है, ये चूल्हा है पकाने के लिए। और ये, और मैंने इनसे पता किया कि ये चूल्हे क्यों बना के रखे हुए थे, तो ये ना यहाँ पे बेचते हैं। ये एक चूल्हा ना 100 रुपये का बिकता है, ये एक चूल्हा। ये जो जिनको ज़रूरत होती है वो ख़रीदते हैं, यहाँ गांव में ना तो गैस नहीं है, उस वजह से ये चूल्हे पे ही बनाते हैं रोटियाँ वगैरह। तो ये चूल्हे बना हुआ चूल्हा ना 100 रुपये का एक चूल्हा बेचते हैं। तो बनाने के लिए ये मिट्टी भी यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है, यहाँ से लेके ये बनाते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी करें वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। तो किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।